एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था उसकी समाधि बनी हुई है। परंतु 8 मई को बहुत तेज तूफान आया और पेड़ बच नहीं पाया, गिर गया और अब हमारे पास केवल इसकी यादें हैं। एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था ये। हम पहुंच गए अभी मौरी और हनोल रोड के बीच में है एक जगह पे, जो रोड है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस रोड के बीच में हमें एक जगह है जहाँ पे जो एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था उसकी समाधि बनी हुई है, तो मैं आपको भी वही समाधि हम लोग जा रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से उस पेड़ की जो समाधि है उसको मेनटेन किया हुआ, एकदम बनाया हुआ तरीके से। तो अभी देखेंगे क्या उसकी हाइट थी, क्या डिटेल्स थी, वो अभी हम जाएंगे। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो बोर्ड है ये इसका बोर्ड है, ये वाला एशिया चीड़ महावृक्ष समाधि, 50 मीटर उस तरफ है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही शानदार है इस जगह का, मतलब बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वो पेड़ है शायद एशिया का सबसे बड़ा पेड़ था ये, उसके हिस्से बचे हुए हैं यहाँ पे। ये पेड़ 220 वर्षों तक जिंदा रहा है, हाँ इसकी अनुमानित है। और ये 8 मई 2007 को गिर गया था, उससे पहले इसको 4 महीने इसका उपचार चला है फॉरेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर एन शुक्ला के नेतृत्व में। परंतु 8 मई को बहुत तेज तूफान आया और पेड़ बच नहीं पाया, इस वजह से पेड़ गिर गया और अब हमारे पास केवल इसकी यादें हैं। और ये पेड़ 1997 में इसको ग्रेट ट्री का दर्जा दिया गया था, महावृक्ष भारत सरकार ने इसको घोषित किया था 1997 में। और इसके अलावा ये पेड़ पूरे एशिया में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, 220 वर्ष में समझ लीजिए आदमी की 8 पुश्तें जी जाती है आज के ज़माने में। तो 8 जनरेशन देखना आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात होती है, और अभी भी देख के लग रहा है कि ये पेड़ में कुछ खास बात रही होगी, तभी इसे महावृक्ष का दर्जा दिया गया है। इस परिसर में आकर ही हमें अलग सी अनुभूति प्राप्त हो रही है, अलग सी वाइब्स, वातावरण यहाँ का अलग ही है। कभी कभी इन जंगल की वादियों में भी कुछ खुशियाँ मिल जाती हैं, माना कि बंजर है जमीन यहाँ पर, फिर भी फूलों की कलियाँ खिल जाती हैं। राफ्टिंग होती है, बहुत खूबसूरत जगह है ये।